हरियाणा में चुनावी सरगर्मी बढ़ती जा रही है। हरियाणा कांग्रेस के नेता इसी बहाने अपना शक्ति प्रदर्शन कर रही हैं। प्रदर्शन में पूर्व सीएम भूपेंद्र और उनके बेटे दीपेंद्र हुडा कांग्रेस के हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के माध्यम से विरोधियों को अपनी ताकत का एहसास करा रही हैं, जबकि कुमारी सैलजा भी छत्तीसगढ़ से आकर अपने समर्थकों की मीटिंग लगातार ले रही हैं। अब इसी कड़ी में कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला का नाम जुड़ने जा रहा है। रणदीप सुरजेवाला 14 जून को हरियाणा के टिकरी बॉर्डर से कैथल शहर तक रोड शो निकालेंगे। कर्नाटक चुनावों में ऐतिहासिक जीत के बाद पहली बार सुरजेवाला हरियाणा आ रहे हैं। सुरजेवाला की देखरेख में कर्नाटक के चुनाव लड़े गए थे। कर्नाटक चुनावों में कांग्रेस की जीत के बाद सुरजेवाला और उसके समर्थकों के हौसले बुलंद हैं। इसी के चलते सुरजेवाला अब हरियाणा में कांग्रेस में अपनी विरोधियों को शक्ति प्रदर्शन के बहाने चुनौती देने की तैयारी में है। हरियाणा कांग्रेस में हुडा गुट सबसे हैवी है। उनके समर्थक हुडा ही कांग्रेस का नारा दे चुके हैं। जनसभाओं में तीसरी बार हुडा को भावी सीएम पेश कर रही हैं। हुडा के समक्ष हरियाणा में छत्तीसगढ़ प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा और रणदीप सुरजेवाला सबसे बड़ी चुनौती। कैप्टन अजय यादव और किरण चौधरी भी हुडा की परस्पर विरोधी रही हैं। रणदीप सुरजेवाला 2004 की हुडा सरकार में बिजली मंत्री थी। प्रदेश कांग्रेस में हुडा के हावी होने और गुटबाजी के चलते ही उन्होंने राजस्थान से राज्यसभा के चुनाव लड़े। सुरजेवाला पिछले काफी समय से केंद्र की राजनीति में हिस्सेदारी कर रही थी। हरियाणा की खट्टर सरकार को घेर कर वे प्रदेश की राजनीति में अपनी दिलचस्पी जाहिर कर रही। रणदीप ने हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के अटैची कांड से खट्टर सरकार को घेरा है। हरियाणा में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुडा, कुमारी सैलजा और रणदीप सुरजेवाला की गांधी परिवार तक सीधी पहुंच है। हाल ही में राहुल गांधी जब विदेश यात्रा पर गए थे तो दीपेंद्र हुडा उनके साथ थे। फिलहाल राहुल गांधी हरियाणा के सभी दिग्गज नेताओं को बराबर तवज्जो दे रहे। हरियाणा में इस समय कांग्रेस के 30 विधायक हैं, जिसमें से सबसे अधिक हुडा समर्थक हैं। कुलदीप बिश्नोई ने कांग्रेस छोड़ दिया था। आदमपुर उपचुनाव में कांग्रेसी उम्मीदवार जयप्रकाश की हार हुई थी। भव्य की जीत से भाजपा विधायकों की संख्या 41 हो गई है। हरियाणा में 2005 के चुनावों में रणदीप सुरजेवाला ने पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला को नरवाना सीट से हराया था। हालांकि वे इससे पहले ओपी चौटाला से हार भी चुके हैं। हुडा सरकार के 10 साल के कार्यकाल में वे मंत्रिमंडल के सदस्य भी रह चुके हैं।